अस्सलामुअलैकुम जी फाइव क्लास, आप लोग साइंस का पेज नंबर 63 ओपन करें। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स। कल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स हाफ पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स है, ऐसी मतलब ग्रेविटी है जिसके बाइस ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इस चीज़ को कहते हैं, इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि जो ऑरेंज है या एप्पल है वो जो ज़मीन पे गिरता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है। अगर हम लोग बाल फेंकें तो वो भी ज़मीन पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये भी होता है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि इसके अलावा तमाम जो चीज़ें हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वकूअ पज़ीर होती हैं। हमने कल हाफ पढ़ा था, आज हम लोग देखते हैं कि और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और क्या क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन पुल्स द अर्थ एंड ऑर्बिट्स अदर ऑर्बिट्स टू ऑर्बिट अराउंड इट। कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है कि सूरज की जो कशिश है वो ज़मीन और दूसरे स्यारक गिर्द जो घूमती है वो किस वजह से घूमती है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सूरज है वो ज़मीन और जो दूसरे ऑर्बिट्स हैं उनके इर्द गिर्द घूमता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सूरज है वो ज़मीन और दूसरे स्यारों के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ डैट, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़मीन पर होती है वो कैसे है, होल्ड्स अस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप अस फ्लोटिंग अवे इन टू द स्पेस। कह रहे हैं कि हम लोग जो तमाम अजसाम हैं वो जो ज़मीन पे चलते फिरते हैं तो उन्हें ज़मीन ने पकड़ा होता है जिसकी वजह से वो मतलब, वरना तो ऐसे हो अगर हम लोग ज़मीन जो है वो अपनी कश्य शक्ल की वजह से जिसने चीज़ों को अपने ऊपर ठहराया हुआ है, अगर ऐसे हो तो हम लोग ज़मीन के मतलब जो अंदर है हम लोग धनस्ते जाएँ। तो क्या है कि इसी कश्य शक्ल की वजह से हम लोग जो ज़मीन पर चलते फिरते हैं और इसी वजह से हम लोग ज़मीन पर मूव ऑन करते हैं। इसके बाद है कि कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो चांद है इसी कश्य शक्ल की वजह से ज़मीन के गिर्द घूमता है, मतलब ज़मीन ने चांद को, हम लोग पढ़ते हैं ना कि सूरज ज़मीन जो चांद और सूरज के दरमियान घूमती है और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चांद जो है ज़मीन और सूरज के दरमियान घूमता है, चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है तो वो किस वजह से होता है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है जो ज़मीन है वो चांद को अपने गिर्द गमाए रखते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि चांद ज़मीन के गिर्द जो घूमता है इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमता है।